क्या हो गया। चलो, गुड इवनिंग एवरीवन। इस ऑडियो वीडियो क्लियर फॉर ऑल? ऑडियो वीडियो क्लियर है सबके लिए? फिर मेरा हैंग हो जाता है, वो नहीं है, गिर भी जाता है। क्लियर है, ऑडियो वीडियो क्लियर है। सो टुडे विल बी स्टार्टिंग विद द न्यू टॉपिक। आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, विल बी स्टार्टिंग विद द वाटरवेज इंजीनियरिंग। तो ये लास्ट लेग है आपका, दिस इज द लास्ट लेग ऑफ योर ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। सो ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग आई हैव कंप्लीटेड। या तो प्लस पे मिल जाएगा, या स्पेशल क्लास में मिल जाएगा, या आपको मिल जाएगा, आइदर यू विल फाइंड इट ऑन यूट्यूब। तो हाईवे मैंने कर रखी है प्लस पे, एयरपोर्ट और टनलिंग मैंने करा दिया आपको स्पेशल क्लास में, रेलवे और वाटरवेज हम कर लेंगे यूट्यूब के अंदर। तो जितने भी बाइफरकेशन है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के, वो सारे कंप्लीट हो जाएंगे आपके। तो टुडे विल बी स्टार्टिंग विद दी वाटरवेज इंजीनियरिंग। चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स है। फ्रॉम जैन 2 टू जैन 30, ऑन एवरी संडे वी आर कंडक्टिंग दी मॉक टेस्ट फॉर योर गेट 2022। तो जो लोग भी प्रिपेयर कर रहे हैं गेट 2022 के लिए, कैन गिव दिस मॉक टेस्ट। आज भी एक मॉक टेस्ट आई है, टुडे ऑल्सो देर वॉज वन मॉक टेस्ट। देन ऑन एवरी संडे वी आर कंडक्टिंग अ कॉम्बैट। कॉम्बैट एक स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज है, इसमें जो भी स्कॉलरशिप मिलती है उसको आप यूज कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन अवेल करने के लिए। सिविल का जो नया बैच है वो लॉन्च होगा या तो 2 फेब को या 9 फेब को, कल क्रिएटिव आ जाएगा, वो आपको बता दूंगा। टुमारो आई विल शेयर दी बैच डेट फॉर दी सिविल ऑल्सो। चलो स्टार्ट करते हैं फिर। अब हम तो, अब तो कुछ है ही नहीं ज्यादा अनाउंसमेंट्स, पेज ऐड किया। तो टुडे विल बी स्टार्टिंग विद दी वाटर ट्रांसपोर्टेशन। तो वी विल टॉकिंग अबाउट हार्बर्स, डॉक्स एंड पोर्ट्स। हम बात करेंगे हार्बर्स की, डॉक्स की और पोर्ट्स की। चलिए तो पहली बात करते हैं जनरल। इन जनरल वी विल टॉक अबाउट द वाटर ट्रांसपोर्टेशन। तो ब्रॉडली वाटर ट्रांसपोर्टेशन हमारे दो पार्ट में क्लासिफाइड है, दो कैटेगरी में। एक है इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन, दूसरी है ओशन ट्रांसपोर्टेशन। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन होती है रिवर से, कैनाल से, लेक से, और जो ओशन ट्रांसपोर्टेशन होती है ये होती है थ्रू ओशन ओनली। तो इसको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है, इट इज बीइंग डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। तो एक है हमारी ओशन ट्रांसपोर्टेशन, वन इज ओशन ट्रांसपोर्टेशन, द अदर इज इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन, ओशन ट्रांसपोर्टेशन इट टेक्स प्लेस थ्रू ओशन ओनली, एंड इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस अगेन। तीन तरीके हैं इसके, देयर आर थ्री मेथड्स फॉर दिस। सो दिस इज थ्रू ओशन, ओशन बोल दो, सी बोल दो, थ्रू ओशन एंड सी। दिस इज थ्रू रिवर्स, दिस इज थ्रू कैनाल, दिस इज थ्रू लेक। तो पहले तो उसको क्लासिफाई करके दे दिया। वाटर ट्रांसपोर्टेशन इस साल हेड हुआ है क्या ट्रांसपोर्टेशन में?
पहले किसी ने नहीं पढ़ाया। अगर पहले किसी ने पढ़ाया नहीं, आप सिलेबस तो देख लेते एक बार। तो जिसने पढ़ाया नहीं उसकी गलती थोड़ी ना है, गलती तो तुम्हारी है भाई, सिलेबस नहीं देखा। पेपर की कर रहे हैं तैयारी, सिलेबस का आता पता नहीं है। और फिर बातें करेंगे हवाइयाँ कि सर इसी साल ऐड हुआ है क्या। चलो हाँ, सो वाटर ट्रांसपोर्टेशन दो पार्ट में क्लासिफाइड है, एक है ओशन ट्रांसपोर्टेशन, दूसरी है इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन। ओशन ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस थ्रू ओशन और सी, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्टेशन टेक्स प्लेस थ्रू रिवर, कैनाल और लेक। अब अगर कुछ प्रॉपर्टीज की बात करें, ये सबसे आसान तरीका है ट्रांसपोर्टेशन का। इट्स द मोस्ट इजिएस्ट एंड चीपेस्ट मोड ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। इट्स लोड कैरिंग कैपेसिटी इज ऑल्सो कंपेरेटिवली मोर। आप वाटर ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू हाई लोड कैरी कर सकते हो, जितना एयर ट्रांसपोर्टेशन और रोड ट्रांसपोर्टेशन से भी नहीं जा सकता। दूसरा, इसकी जो कॉस्ट निकल के आती है वो कंपेरेटिवली कम निकल के आती है, पर दिक्कत क्या है, इसकी स्पीड बहुत स्लो है। मोर ओवर रिस्की ट्रांसपोर्टेशन है बहुत ज्यादा, तो वेदर कंडीशन हमारे कंट्रोल में नहीं होती, तो एक्सीडेंट होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। तो ये कुछ फायदे भी है, कुछ नुकसान भी है इसके। क्लियर है? रिपीट करना है इस पर कुछ भी? तो मैंने कुछ प्रॉपर्टीज बता दी है आपको, तो उसको यहीं पे मेंशन कर देते हैं। क्वालिटी 144 पिक्सल आ रही है, जो भी आ रही है उसमें खुश रहो। 144 आ रही है या 280 आ रही है, 1080 आ रही है, खुश रहना सीखो हर चीज के अंदर। रोया मत करो हर बात पे। सो वी कैन से इट दी इजिएस्ट एंड चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट, इट हैज हायर लोड कैरिंग कैपेसिटी। हायर लोड कैरिंग कैपेसिटी, तो उसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा होती है। नेक्स्ट, इट इज कंपैरेटिवली इकोनॉमिकल। ये कंपैरेटिवली इकोनॉमिकल है, पर इट हैज स्लो स्पीड, इट हैज स्लो स्पीड एंड स्लो स्पीड एंड इज कंपैरेटिवली रिस्की एंड इज कंपैरेटिवली रिस्की। कंपैरेटिवली रिस्की होता है। हाँ, टाइम रिक्वायर्ड मोर, स्पीड स्लो है। तो ये तो मैंने आपको एक बेसिक आइडिया दिया है इसका। डूबे तो सीधा स्वर्ग, ये तो बाकी चीजों में भी है, बाकी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में भी ऐसा ही है। एरोप्लेन से गिरे तो सीधा स्वर्ग, तो वहां पर भी है। नोट कर लिया सबने? हाँ चलो, अब ये बंद करो। नोटेड, चलिए नोट कर लिया, नोट कर लिया, फिर पेज ऐड किया। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज हार्बर। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज हार्बर।
अभी हार्बर क्या होता है, व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज हार्बर? हार्बर इज अ पार्टली इंक्लोज्ड प्रोटेक्टेड वाटर एरिया, ध्यान से सुनना, हार्बर इज द पार्टली इंक्लोज प्रोटेक्टेड वाटर एरिया टू प्रोवाइड द सेफ एंड सूटेबल अकोमोडेशन फॉर द शिप्स और वेसल्स. वाई? उनके रेस्ट करने के लिए, उनकी सप्लाईज के लिए, उनकी रिफ्यूलिंग के लिए, उनके रिपेयर्स के लिए या ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्गो के लिए. तो ये पार्टली इंक्लोज प्रोटेक्टेड वाटर एरिया होता है जो सेफ और सूटेबल अकोमोडेशन प्रोवाइड करता है वेसल्स के लिए या शिप के लिए. क्लियर है? यहीं पे आके शिप्स रुकती हैं, वहीं में उनकी रिफ्यूलिंग होती है, रिपेयरिंग होती है, सप्लाईज को ट्रांसफर होता है या कार्गो का ट्रांसफर होता है. इसको हम टेक्निकली क्या बोल देते हैं? हार्बर बोल देते हैं. जब भी हार्बर बनाया जाता है, सफिशियंट डेप्थ होनी चाहिए फॉर द ड्राफ्ट ऑफ द वेसल. ड्राफ्ट मतलब जो डेप्थ ऑफ सबमर्जेंस होती है. जब भी हार्बर बनाया जाता है, ब्रेक वाटर भी प्रोवाइड किया जाता है. ब्रेक वाटर क्या है, उसके ऊपर पूरा एक टॉपिक है हमारा, बताऊंगा आगे. व्हाट द पर्पस ऑफ द ब्रेक वाटर? जो वेव्स का एक्शन होता है उससे प्रोटेक्ट करने के लिए ब्रेक वाटर बनाए जाते हैं. क्लियर है? जो बॉटम है, देर शुड बी सफिशियंट एंकरेज सिस्टम सो एज टू सिक्योर द शिप. शिप को सिक्योर करने के लिए नीचे सफिशियंट एंकरेज सिस्टम भी होनी चाहिए ताकि विंड्स और वेव के एक्शन से हमारी शिप फ्लो नहीं कर जाए. क्लियर है? रिपीट करना है इसको जी. लोडिंग अनलोडिंग के लिए बिल्कुल सही बात है, एब्सोल्यूटली करेक्ट. सो वी कैन से हार्बर क्या होता है? सो वी कैन से इट इज अ पार्टली इंक्लोज्ड, इट इज अ पार्टली इंक्लोज्ड प्रोटेक्टेड वाटर एरिया, प्रोटेक्टेड वाटर एरिया टू प्रोवाइड सेफ एंड सूटेबल, सेफ एंड सूटेबल अकोमोडेशन, सेफ एंड सूटेबल अकोमोडेशन फॉर वेसल्स सीकिंग सप्लाईज रिफ्यूलिंग रिपेयर और ट्रांसफर ऑफ कार्गो, और ट्रांसफर ऑफ कार्गो. नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन, हार्बर मस्ट हैव. सो हार्बर मस्ट हैव फर्स्ट सफिशियंट डेप्थ फॉर ड्राफ्ट ऑफ वेसल. Sufficient depth for the draft of vessel. Draft means depth of submergence. Depth of submergence. Depth of submergence. तो sufficient depth होनी चाहिए vessel के draft के लिए. Next, breakwater होना चाहिए. Artificial construction है जो हम करते हैं. So, breakwater must be provided. टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट वेव्स, टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट वेव्स. और तीसरा, एट बॉटम देयर शुड हैव सफिशियंट एंकरेज सिस्टम, सफिशियंट एंकरेज सिस्टम अगेंस्ट विंड. तो अभी तक तो बस मैंने क्या मेंशन किया है, हार्बर क्या होता है और हार्बर में किन किन चीजों की रिक्वायरमेंट होती है. अब इस बात को समझने के लिए आगे पिक्चर्स हैं खूब मेरे पास, एक बार पिक्चर देख लो हार्बर की. यू कैन सी द पिक्चर्स ऑफ द हार्बर. तो खूब सारी पिक्चर है आपके लिए, तो ये सारे हार्बर दिखाए मैंने आपको. सो ऑल दीज आर दी हार्बर्स. तो इन सारी पिक्चर से आइडिया लग गया होगा आपको कि हार्बर क्या होता है. फ्रॉम दीज पिक्चर्स यू मस्ट हैव एन आइडिया व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज हार्बर.
नोट कर लिया सबने? लाइब्रेरी नोटेड। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट हाइड्रोलॉजी करवा दी मैंने। इस सब्जेक्ट के कंप्लीट होने से पहले ही हाइड्रोलॉजी कंप्लीट हो गई है। कितनी बार हाइड्रोलॉजी कराऊंगा। सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ रेफरेंस, हार्बर्स कैन बी क्लासिफाइड। हार्बर्स कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। अब हम बात कर रहे हैं किसकी, क्लासिफिकेशन ऑफ हार्बर्स की। तो हार्बर्स कैन बी क्लासिफाइड एज फॉलोज। अब कौन कौन से तरीके हैं क्लासिफिकेशन करने के। पहला तरीका, फर्स्ट ऑफ द मेथड, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटेक्शन। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड। तो हार्बर को क्लासिफाई करने के बहुत सारे तरीके हैं। पहला तरीका है बी पॉइंट। सर अगेन प्लीज, बी पॉइंट। बी पॉइंट अभी डायग्राम में दिखा दूंगा। बी पॉइंट अभी डायग्राम में दिखा दूंगा। वेव्स से बचने के लिए हार्बर के अलोंग ब्रेक वाटर बनाए जाते हैं, या आर्टिफिशियल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हम बनाते हैं, ताकि वेव हमारे जो वेसल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय नहीं कर पाए या डैमेज नहीं कर पाए। तो डायग्राम में दिखाऊंगा, समझ में आ जाएगी वो चीज़। तो अगला पॉइंट ऑफ डिस्कशन है हमारा कि हार्बर्स को क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे तरीके हैं क्लासिफाई करने के। पहला तरीका है कि कितनी प्रोटेक्शन अवेलेबल है हमारे पास, हाउ मच ऑफ द प्रोटेक्शन इज अवेलेबल। अगले पेज पे गए अब तो पिक्चर सही है हमारे पास। पहला है हमारे पास नेचुरल हार्बर। द फर्स्ट ऑफ द हार्बर विच इज अवेलेबल इज नेचुरल हार्बर। अब क्या होती है नेचुरल हार्बर, नाम में लिखा हुआ है, हार्बर विच इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम द स्टॉर्म्स एंड वेव्स बाय द नेचुरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द लैंड। नेचुरल कंफिग्रेशन ही लैंड की ऐसी है कि वो वेव से और विंड से प्रोटेक्टेड है। इसको हम क्या बोल देते हैं, इसको हम बोल देते हैं नेचुरल हार्बर। जैसे आपके सामने पिक्चर लगी हुई है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर। सो वी कैन से दीज आर दी हार्बर्स। सो दीज आर दी हार्बर्स विच आर प्रोटेक्टेड। दीज आर दी हार्बर्स विच आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्टॉर्म्स एंड वेव्स बाय द नेचुरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द लैंड। नेचुरल कॉन्फ़िगरेशन, नेचुरल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द लैंड। तो लैंड की कॉन्फ़िगरेशन ही ऐसी है कि वेव से और स्टॉर्म से हमारी शिप्स अपने आप प्रोटेक्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, दे आर लोकेटेड एट रिवर माउथ्स एक्सेट्रा। सर नेक्स्ट टॉपिक एयरपोर्ट बोले थे आप, ये देखो बेटा सो जाओ जाके, ये देखो इज्वल को नेक्स्ट टॉपिक एयरपोर्ट बोले थे। हाँ भाई वाह, गजब है। सो दिस इज द नेचुरल हार्बर विच इज बिंग शोन टू यू। तो नेचुरल हार्बर वो हार्बर होता है जहां पर लैंड की कन्फिग्रेशन ही ऐसी होती है नेचुरली कि विंड्स और वेव्स के एक्शन से हमारी शिप्स के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे आपके सामने एक पिक्चर बनी हुई है, एक और दूसरी पिक्चर भी है, ये भी नेचुरल हार्बर है। दिस इज ऑल्सो नेचुरल हार्बर। क्लियर है चीज, रिपीट करना हो नेचुरल हार्बर में से किसी को भी कोई पॉइंट, एनी पॉइंट टू बी रिपीटेड फ्रॉम दिस फॉर एनी वन। नेक्स्ट ऑफ दी क्लासिफिकेशन ऑफ द हार्बर ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोटेक्शन इज सेमी नेचुरल हार्बर। तो पिछला वाला नेचुरल था, ये क्या है, सेमी नेचुरल है। कैन बी क्रैक ईएससी बाय ऑनलाइन कोचिंग। ईएससी क्रैक करने के लिए तो पेपर निकालना पड़ता है, कोचिंग कहाँ से आ गई इसके अंदर। टू क्रैक ईएससी वी हैव टू क्लियर द पेपर।
ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग कम्स इनटू द पिक्चर। मैंने तो कोई कोचिंग नहीं करी थी ये से क्लियर करने के लिए, ना ऑनलाइन करी थी ना ऑफलाइन करी थी, तो उसके लिए कुछ पेपर निकालना पड़ता है। जाओ मुंह धो के आओ, पहले ईएसई क्लियर करने के लिए सबसे पहले मुंह धोना पड़ता है। ब्रेक वाटर वाला अभी बताऊंगा ना भाई, अभी बोला था है कि अभी डायग्राम में आएगा ब्रेक वाटर, इसी डायग्राम में ब्रेक वाटर है, तो आई डिस्कस व्हाट इज ब्रेक वाटर। सो नेक्स्ट ऑफ द हार्बर अवेलेबल ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोटेक्शन इज सेमी नेचुरल हार्बर। अब क्या होता है सेमी नेचुरल हार्बर? द हार्बर विच इज प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्टॉर्म्स एंड वेव्स ऑन वन साइड बाय द नेचुरल कॉन्फ़िगरेशन एंड ऑन द अदर साइड बाय आर्टिफिशियल कॉन्फ़िगरेशन। तो सेमी नेचुरल हार्बर वो हार्बर होते हैं जो एक साइड से तो प्रोटेक्टेड होते हैं बाय नेचुरल कॉन्फ़िगरेशन, पर दूसरी साइड से आर्टिफिशियल कॉन्फ़िगरेशन से उसको प्रोटेक्ट किया जाता है। कैसे? बाय कंस्ट्रक्शन ऑफ द ब्रेक वाटर। ये ब्रेक वाटर बनी हुई है इसके अंदर, सो यू कैन सी द ब्रेक वाटर। तो वी कैन से दीज आर द हार्बर्स, सो दीज आर द हार्बर्स, हार्बर्स विच आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम स्टॉर्म्स एंड वेव्स इन वन साइड वेव्स इन वन साइड बाय नेचुरल कॉन्फ़िगरेशन, बाय नेचुरल कॉन्फ़िगरेशन एंड अदर साइड बाय आर्टिफिशियल कॉन्फ़िगरेशन, अदर साइड बाय आर्टिफिशियल कॉन्फ़िगरेशन। एंड अदर साइड बाय आर्टिफिशियल कॉन्फ़िगरेशन, एग्जाम्पल ब्रेक वाटर्स। तो देख रहा है एक साइड से तो कैसे प्रोटेक्टेड है, एक साइड से प्रोटेक्ट है नेचुरल कॉन्फ़िगरेशन से, और दूसरे साइड से आपने प्रोटेक्ट कर रखा है क्या बना के? ब्रेक वाटर बना के। अब ब्रेक वाटर का काम क्या होता है? वेव के इंपैक्ट्स को अंदर नहीं जाने देता। तो दिस इज टर्म्ड एज ब्रेक वाटर। तो ये हमारा क्या है? सेमी नेचुरल हार्बर है। दिस इज सेमी नेचुरल हार्बर, दिस इज सेमी नेचुरल हार्बर, ये हमारी सेमी नेचुरल हार्बर है। तो एक तरफ से तो प्रोटेक्टेड है किससे? नेचुरल कॉन्फ़िगरेशन से। दूसरी तरफ से हमने क्या बना रखा है? ब्रेक वाटर बना रखा है। सो यू कैन सी दिस इज ब्रेक वाटर। तो ये एम्बैंकमेंट होती है जो हमने बनाई है, दिस इज द एम्बैंकमेंट विच इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय अस। तो दिस इज टर्म्ड एज सेमी नेचुरल हार्बर, ये सेमी नेचुरल हार्बर होते हैं। नोट कर लिया सबने? हैज एवरीवन नोटेड? सेमी नेचुरल हार्बर का एग्जांपल है विशाखापट्टनम इंडिया में। तो विशाखापट्टनम इज सेमी नेचुरल हार्बर। तो एक तरफ से भी तो नेचुरल कॉन्फ़िगरेशन है, दूसरी तरफ से हमने ब्रेक वाटर प्रोवाइड कर रखी है। नेक्स्ट ऑफ द हार्बर विच इज क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोटेक्शन अवेलेबल इज आर्टिफिशियल हार्बर। अब क्या है आर्टिफिशियल हार्बर? आर्टिफिशियल हार्बर वो हार्बर होते हैं जिसको हमने प्रोटेक्ट कर रखा है आर्टिफिशियली फ्रॉम आइदर साइड, दोनों तरफ से हमने ब्रेक वाटर बना रखे हैं, तो इसको हम आर्टिफिशियल हार्बर बोल देते हैं। जैसे एग्जांपल मद्रास का हार्बर है, सो वी कैन से दीज आर दी हार्बर्स, सो दीज आर दी हार्बर्स विच आर प्रोटेक्टेड which are protected from effect of waves and storms on either side by artificial configuration, by artificial configuration। जैसे example breakwater,
ब्रेक वाटर और बाय ड्रेजिंग, या तो ब्रेक वाटर से या ड्रेजिंग से। तो आपके सामने जो पिक्चर बनी हुई है वो आर्टिफिशियल हार्बर की है, तो दोनों तरफ क्या बने हुए? ब्रेक वाटर बने हुए। सो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ वॉट, ये एग्जाम्पल है किसका? आर्टिफिशियल हार्बर का। और भी पिक्चर्स हैं, देख लो तसल्ली से। आर्टिफिशियल हार्बर, सो दिस इज द पिक्चर ऑफ आर्टिफिशियल हार्बर, तो ये भी पिक्चर आर्टिफिशियल हार्बर की है। तो मेरे हिसाब से पिक्चर देखने से पूरी कहानी क्लियर हो जाती है। स्टोन पिचिंग, बिल्कुल स्टोन पिचिंग भी की जाती है। स्टोन पिचिंग आपको बता रखी मैंने इरिगेशन के अंदर, आई हैव डिस्कस दिस पॉइंट इन इरिगेशन। तो ये पहली क्लासिफिकेशन है हमारे हार्बर की। तो हार्बर क्या होता है, हार्बर की रिक्वायरमेंट क्या होती है, हार्बर की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड के बिहाफ पे हमने कर दी। तो इट मे बी नेचुरल, इट मे बी सेमी आर्टिफिशियल, और इट मे बी आर्टिफिशियल। चले आगे, शैल वी कंटिन्यू? चलो हो गया बहुत। अगली क्लासिफिकेशन, अगली क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी। नेक्स्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी, क्या काम आता है, व्हाट द पर्पस ऑफ दिस। अब क्या काम आता है उसको देख लेते हैं। बहुत सारी चीजों के काम आता है। सो बहुत सारी चीजों के काम आता है, जैसे एग्जाम्पल रिफ्यूज हार्बर। अब इसकी पिक्चर नहीं मिली मुझे, आई हैवन फाउंड द पिक्चर ऑफ दिस। एयरपोर्ट की क्लासेस हो गई हैं? नहीं, अभी फ्लाइट में बैठी हुई हैं, अभी लैंड नहीं करी है। अभी जब लैंड होंगी तब कराऊंगा मैं। सो फर्स्ट इज रिफ्यूज हार्बर। तो यूटिलिटी क्या है इसकी? तो जो रिफ्यूज है उसको कलेक्ट करने के लिए हम रिफ्यूज हार्बर बनाते हैं। तो उसका पर्पस होता है रिफ्यूज को कलेक्ट करना। द पर्पस ऑफ दिस इज टू कलेक्ट द रिफ्यूज। सो अब यूटिलिटी के बिहाफ पे चल रहे हैं। सेकेंड इज कमर्शियल हार्बर। ये तो कैपिटल में लिखना था ना, सेकंड इज कमर्शियल हार्बर। अब एक बार खुद ही अपने आप तसल्ली से सोच के देखना, दिमाग में, मतलब बताने की जरूरत नहीं है, दिमाग में सोच के देखना क्या लायक हो फ्री में ये सब पढ़ने के। एक बार खुद ही दिमाग में सोच के देखना क्या, मतलब खुद ही एनालाइज करना क्या यार लायक है क्या हम लोग, इन जनरल, इन जनरल क्या हम लोग लायक है क्या फ्री में हमें सब कुछ मिल जाए। मतलब इन लोगों से तो डबल पैसे लेने चाहिए, जितनी फीस बनती है ना उसकी डबल पैसा लेना चाहिए इन लोगों से। और तब भी आधा आधी चीज ही बतानी चाहिए, पूरी चीज बतानी नहीं चाहिए इनको। सो रिफ्यूज हार्बर, नेक्स्ट इज कमर्शियल हार्बर। सो नेक्स्ट इज कमर्शियल हार्बर। मतलब मैं तो इतना बोलता हूँ, अकेडमी को क्यों फ्री में पढ़ाते हो, मानते ही नहीं है मेरी बात। ये इतना बोल बोल के मैं थक गया इनको, मानते ही नहीं है कोई बात। सो रिफ्यूज हार्बर की पिक्चर नहीं मिली मुझे, बट कमर्शियल हार्बर की पिक्चर आपके सामने है। तो कमर्शियल हार्बर विच इज बिंग यूज फॉर कमर्शियल एक्टिविटीज। तो कमर्शियल हार्बर वो है जिसको हम यूज करते हैं कमर्शियल एक्टिविटीज के लिए। सो हार्बर बना हुआ है, सामने कमर्शियल एक्टिविटी भी दिख रही है आपको, यू कैन सी दी कमर्शियल एक्टिविटीज। नेक्स्ट इज फिशिंग हार्बर। तो ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी, नेक्स्ट इज फिशिंग हार्बर। हार्बर विच इज बीइंग यूज फॉर फिशिंग पर्पस। सिलेबस कैसे, सब सब बंद हो जाएंगे या स्पेशल क्लास, स्पेशल क्लास, यूट्यूब सारे वीडियो गायब हो जाएंगे, फिर क्या करोगे? सो नेक्स्ट ऑफ द हार्बर इज फिशिंग हार्बर। अभी सब बोला हुआ इनको मैंने, ये सारे वीडियो वीडियो सब हटा दो यहाँ से, यहाँ से। सो नेक्स्ट ऑफ द हार्बर विच इज अवेलेबल फॉर यूटिलिटी पर्पस इज फिशिंग हार्बर। नेक्स्ट कैटेगरी ऑन द बेसिस ऑफ द यूटिलिटी इज मिलिट्री हार्बर। और कब हट जाएगा पता भी नहीं चलेगा,
जैसे वो नंबर ऑफ यूजेस रिस्ट्रिक्ट हो गई है ना, स्नैपशॉट रिस्ट्रिक्ट हो गया है, अभी एकदम से सब कुछ गायब हो जाएगा। नेक्स्ट इज मिलिट्री हार्बर। तो ये अगली क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ द यूटिलिटी। तो पहली क्लासिफिकेशन थी प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड की, अगली क्लासिफिकेशन है किस यूटिलिटी के लिए, यानी किस काम के लिए वो हार्बर आता है। तो दिस इज टर्म्ड एज मिलिट्री हार्बर। नोट कर लिया सबने? चलिए, सो अगली क्लासिफिकेशन, नेक्स्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। सो नेक्स्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, कि वो हार्बर कहां पर है, वेयर दिस हार्बर इज देयर। तो पहली थी ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटेक्शन, दूसरी थी ऑन द बेसिस ऑफ यूटिलिटी, द नेक्स्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन। तो ये तो हम डायरेक्टली बता सकते हैं, जैसे आपके सामने पिक्चर अवेलेबल है, सी और ओशियन हार्बर। तो नाम से समझ में आ रहा है कि अगर हार्बर सी शोर पे है उसको हम क्या बोल देंगे, इट विल बी टर्म्ड एज व्हाट। सी और ओशियन हार्बर तो आपके सामने है, सी हार्बर या ओशियन हार्बर। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है, नेक्स्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन इज, नेक्स्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन इज रिवर हार्बर। सो नेक्स्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन इज ऑफ रिवर हार्बर। तो वो सी पे बना हुआ था तो सी हार्बर, ये रिवर के अंदर है तो रिवर हार्बर। नेक्स्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन इज कैनाल हार्बर, अगली क्लासिफिकेशन है कैनाल हार्बर की। सो नेक्स्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन इज ऑफ कैनाल हार्बर। तो ये क्लासिफिकेशन हमारी किस पे चल रही है, उसकी लोकेशन के बिहाफ पे चल रही है। द नेक्स्ट ऑफ द क्लासिफिकेशन इज लेक हार्बर। सो लेक हार्बर। सो अप टिल नाउ वी हैव डिस्कस व्हाट, अभी तक हमने क्या डिस्कस कर लिया, अभी तक हमने ये डिस्कस किया कि हार्बर क्या होता है, फिर हमने ये डिस्कस कर लिया कि हार्बर की रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं, फिर हमने ये डिस्कस किया कि हार्बर की क्लासिफिकेशन कैसी है। तो तीन ब्रॉड तरीके उसको क्लासिफाई करने के, पहला कैसी प्रोटेक्शन अवेलेबल है, दूसरा उसकी यूटिलिटी क्या है, और तीसरा उसकी लोकेशन क्या है। और इसके अंदर फिर सब क्लासिफिकेशन और थी, सबकी पिक्चर मैंने आपको दिखा दी है, पिक्चर्स ऑफ ऑल आई हैव शोन यू। नोट कर लिया सबने?
हैव एवरी नोटेड? नोट कर लिया सबने? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अरे पिक्चर आगे पीछे हो गई क्या? आगे पीछे हो गई तो डेस्कटॉप, सॉरी, डाउनलोड्स, इसको इधर करते हैं, इसको इधर करते हैं, ओपन इन बूट। सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इज हार्बर लेआउट एलिमेंट्स। तो अगर कभी सिलेबस पढ़ा हो, अगर हमें कभी सिलेबस पढ़ा हो, उसमें स्पेसिफिकली पढ़ना क्या मेंशन किया हुआ है, हार्बर प्लानिंग, हार्बर लेआउट्स। सो हार्बर के लेआउट एलिमेंट्स, सो नाउ वी टॉकिंग अबाउट दी लेआउट एलिमेंट्स ऑफ दी हार्बर। ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है। प्री स्ट्रेस वाला आरसीसी में करा दीजिए, करा तो दिया है प्री स्ट्रेस, सब कुछ करा दिया मैंने, आपको कोई टॉपिक नहीं छूटा हुआ, एक आखिरी टॉपिक छूटा हुआ स्ट्रक्चर बस, इसके अलावा एक टॉपिक नहीं है सिविल का जो मैंने छोड़ दिया, सब कुछ करा दिया है आपका, प्री स्ट्रेस भी करा दिया है, आई हैव कंप्लीटेड प्री स्ट्रेस ऑल्सो, और कितनी बार कराऊंगा प्री स्ट्रेस। सो नेक्स्ट ऑफ द पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज हार्बर लेआउट एलिमेंट्स। अब हार्बर लेआउट एलिमेंट्स कौन से हैं? खूब सारे हैं। सो हार्बर लेआउट एलिमेंट्स, पहला हार्बर लेआउट एलिमेंट इज हार्बर की साइज, इज हार्बर साइज। अब हार्बर की साइज की बात करें, इफ आई टॉक अबाउट हार्बर साइज, हार्बर की साइज डिपेंड कर जाती है कितने नंबर ऑफ शिप्स उस हार्बर को यूज करेंगे, और वो डिपेंड कर जाती है सबसे बड़ा शिप जो उसको यूज करेगा। तो कितनी साइज का हार्बर बनाना है ये डिपेंड कर जाता है कितने नंबर ऑफ शिप्स यूज करेंगे, और सबसे बड़े शिप की साइज क्या है, कौन सी नेविगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल है वहां पे, व्हाट आर द नेविगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल, नेचुरल फीचर्स क्या है, व्हाट आर द नेचुरल फीचर्स अवेलेबल। जो मिनिमम हार्बर का एरिया चाहिए होता है इज इक्वल टू द स्पेस रिक्वायर्ड फॉर द डॉक, डॉक जहां पर आके शिप रुकती है, और उसको टर्न करने के लिए जो जगह चाहिए। इसके अलावा हमारे हार्बर के खूब सारे कंपोनेंट होते हैं साइज के रिस्पेक्ट में, तो वो सारे कंपोनेंट्स अभी मैं दिखा दूंगा आपको, ऑल दी कंपोनेंट्स आई विल डिस्कस। बिल्कुल सही बात है, ट्रैफिक पर, ट्रैफिक मतलब नंबर ऑफ शिप्स कितने आएंगे, तो यहाँ पे ट्रैफिक का मतलब नंबर ऑफ शिप्स है। सो हार्बर साइज की अगर हम बात करें, वी कैन से इट डिपेंड्स ऑन the size and number of ships, the size and number of ships using, the size and number of ships using the harbor, the size and number of ships using the harbor. Next, it also depends upon नेविगेशन एंड अडेप्टेबिलिटी ऑफ नेचुरल फीचर्स, अडेप्टेबिलिटी ऑफ नेचुरल फीचर्स। नेक्स्ट, मिनिमम हार्बर एरिया, मिनिमम हार्बर एरिया इज इक्वल टू दी, मिनिमम हार्बर एरिया इज इक्वल टू दी स्पेस रिक्वायर्ड फॉर डॉक प्लस द टर्निंग बेसिन, प्लस द टर्निंग बेसिन। तो मिनिमम इतनी जगह तो चाहिए चाहिए होगी, दिस मच ऑफ दी स्पेस इज रिक्वायर्ड। नेक्स्ट,
कंपोनेंट्स ऑफ हार्बर साइज। अब हार्बर साइज के कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं? हार्बर साइज आर एस फॉलोस। सो कंपोनेंट्स ऑफ द हार्बर साइज आर एस फॉलोस। अभी मैंने आपको हार्बर की लेआउट दिखा रखी है, दिस इज द लेआउट विच इज बीइंग शोन टू यू। तो देख लो पीछे कोई ब्रेक वाटर पूछ रहा था, ये बना हुआ है ब्रेक वाटर, दिस इज टर्म्ड एज ब्रेक वाटर। तो ये एम्बैंकमेंट है जो हमने बना रखी है, दिस इज द एम्बैंकमेंट विच इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड बाय अस। ये एम्बैंकमेंट है जो हमने बना रखी है। तो कैसा हार्बर हो गया जरा क्लासिफाई करके बताना, जैसे दिस इज विच टाइप ऑफ हार्बर ऑन द बेसिस ऑफ द प्रोटेक्शन। प्रोटेक्शन के बिहाफ पे आपके स्क्रीन के सामने जो हार्बर है वो कैसा हार्बर है? सो इट इज आर्टिफिशियल हार्बर, बिल्कुल सही बात है। तो राकेश एब्सोल्युटली करेक्ट। बिल्कुल सही बात है। देखो उसमें डॉक एरिया है, डॉक एरिया मतलब जहां पे आके शिप की पार्किंग होती है उसे डॉक एरिया बोला जाता है। टर्निंग बेसिन भी दिख रहा है आपको, इसको टर्न करने के लिए जो एरिया चाहिए, हाउ मच ऑफ द एरिया इज रिक्वायर्ड फॉर टर्निंग। तो कम से कम इतनी जगह तो होनी चाहिए हार्बर में कि आके शिप्स हमारी पार्क हो जाए, और दूसरा उनके टर्न होने की जगह होनी चाहिए। अब हमारे हार्बर एलिमेंट की खूब सारे कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं एक एक करके उठाते हैं। विल टॉक अबाउट ईच एंड एवरी कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट, फर्स्ट ऑफ द कंपोनेंट इज हार्बर डेप्थ। यू विल फाइंड द प्रॉब्लम ऑन दिस, सवाल मिलेगा इसके ऊपर, तो ध्यान देना हार्बर डेप्थ के ऊपर। तो साइज का पहला कंपोनेंट इज हार्बर डेप्थ। सो वी कैन से हार्बर की डेप्थ कितनी होनी चाहिए। द चैनल डेप्थ इज गिवन बाय, तो हार्बर की जो डेप्थ है वो कितनी होनी चाहिए, दिस शुड बी इक्वल टू डी डैश प्लस एच बाय थ्री प्लस डी डबल डैश। ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा इसके ऊपर आपको। तो जो हमारा हार्बर चैनल है इसकी डेप्थ इज गिवन बाय द फॉलोइंग रिलेशनशिप। सो डी डैश प्लस एच बाय थ्री प्लस डी डबल डैश। अब क्या है इन सबका मतलब, व्हाट द मीनिंग ऑफ दिस, पेज ऐड किया। सो डी डैश इज द ड्राफ्ट ऑफ लार्जेस्ट शिप टू बी अकोमोडेटेड, लार्जेस्ट शिप टू बी अकोमोडेटेड। ड्राफ्ट का मतलब बताया था डेप्थ ऑफ सबमर्जेंस, अकोमोडेटेड। ड्राफ्ट मीन्स व्हाट, डेप्थ ऑफ सबमर्जेंस। ये डेप्थ ऑफ सबमर्जेंस को हम कैसे प्रिंसिपल से निकाल सकते हैं, हाउ इट कैन बी कंप्यूटेड। तो हमारी डेप्थ ऑफ सबमर्जेंस कैसे निकाली जाती है, यूजिंग पास्कल्स लॉ। तो डेप्थ ऑफ सबमर्जेंस आप पास्कल फ्लो से निकाल सकते हो। लेट सपोज ये हमारा वेसल है, दिस इज अवर वेसल, ये इसकी डेप्थ ऑफ सबमर्जेंस है। बॉयंसी फोर्स लगा दो उसके ऊपर, तो बॉयंसी फोर्स अपर डायरेक्शन में, सेल्फ वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो वेट बॉयंसी फोर्स, इसको हम बोलते हैं पास्कल्स लॉ। हाँ ये पीयूष गुप्ता, देखो गजब, पास्कल्स लॉ। तो ये हमें कैसे निकाल लेंगे, पास्कल्स लॉ से निकाल लेंगे। तो इसमें कंसेप्ट लगता है पास्कल्स लॉ का। सर यू हैव टॉट हाईवे मेंटेनेंस प्राइम टैग कोड, आई हैव टॉट हाईवे इन ऑन प्लस, हाईवे प्लस पे बताइए। आर्कमिडीज प्रिंसिपल लगती है इसके अंदर। क्लियर है ड्राफ्ट का मतलब क्या? नाउ इट इज क्लियर व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज ड्राफ्ट। क्लियर है, सो डी डैश मार्क करके दे दिया। देन एच,
देन एच, एच इज द हाइट ऑफ, एच इज द हाइट ऑफ स्ट्रॉन्ग वेव, एच इज द हाइट ऑफ स्ट्रॉन्ग वेव, क्रेस्ट टू ट्रफ, एच हाइट है हमारे स्ट्रॉन्ग वेव की, तो एच इज द हाइट ऑफ द स्ट्रॉन्ग वेव फ्रॉम क्रेस्ट टू ट्रफ, तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग वेव है। तो वेव की जो हाइट होती है उसे हम बोलते हैं कैपिटल एच, क्रेस्ट से लेके ट्रफ तक की हाइट, दिस इज अवर कैपिटल एच। सो दिस इज अवर कैपिटल एच। सर कितने साल एक्सपीरियंस हाउ, कितने साल एक्सपीरियंस हाउ, तुम जैसे से तो डील करने का बहुत एक्सपीरियंस है। अभी देखो वो एक्सपीरियंस दिखाऊंगा मैं यहाँ पे, तो तुम नहीं दिखोगे यहाँ पे। अगर मैंने एक्सपीरियंस दिखाया है तुम्हें तो तुम दिखोगे नहीं यूट्यूब पे, यूट्यूब ही छोड़ दोगे, अनइंस्टॉल कर लोगे यूट्यूब। वो तो भी मेरे को ये खत्म कराना है, मैं अपना एक्सपीरियंस दिखाता तुम्हें, यूट्यूब ही इंस्टॉल कर लेते तुम। सो नेक्स्ट इज डी डबल डैश। डी डैश इज अलाउंस फॉर द स्क्वाट ऑफ मूविंग शिप। अब ये एक नई चीज आई है। अब क्या है, ड्राफ्ट समझा दिया, हाइट ऑफ स्ट्रॉन्ग वेव बता दी, आई डिस्कस द हाइट ऑफ द स्ट्रॉन्ग वेव। अब ये स्क्वैट का मतलब क्या होता है, स्क्वैट के लिए मैंने आपको रियल पिक्चर तो आगे दिखाई रखी है, फॉर स्क्वैट आई हैव शोन द रियल पिक्चर ऑल्सो, पर स्क्वैट होता क्या है पहले उसको समझना भी पड़ता है। व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज स्क्वैट दैट इज ऑल्सो टू बी अंडरस्टूड, तो पहले ये भी समझ में आना चाहिए कि स्क्वैट होता क्या है। तो अगर हम स्क्वैट को समझे, इफ आई वॉन्ट टू एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द स्क्वैट, जब शिप चलती है पानी के अंदर, व्हेन द शिप मूव्स इन द वॉटर, तो शिप की लेंथ के अलोंग किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। अलोंग द लेंथ ऑफ द शिप एट अ पर्टिकुलर पॉइंट अ लो प्रेशर इज क्रिएटेड। उस लो प्रेशर की वजह से जो शिप की हाइट होती है, शिप की जो मैं बता रहा हूँ हाइट होती है बेड के कंपैरिजन में, वो कम हो जाती है। द हाइट रिड्यूसेस विद रिस्पेक्ट टू द बेड। अब कैसे रिड्यूस हो जाती है उसके लिए मुझे डायग्राम दिखाना ही पड़ेगा आपको, फॉर दैट आई हैव टू शो द डायग्राम। तो रियल डायग्राम तो है ही मेरे पास आगे, सीधी रियल डायग्राम। तो जब शिप मूव कर रही होती है, व्हेन द शिप मूव्स इट, यू कैन सी अ लो प्रेशर इज क्रिएटेड अलोंग दी हाइट, लेंथ के अलोंग लो प्रेशर क्रिएट हो गया है। अब क्योंकि ये लो प्रेशर क्रिएट हो गया है, इससे हमारे पानी की जो डेप्थ है कम हो गई है, पानी की डेप्थ कम हो गई है। इसका मतलब जो शिप है अगर आप इसकी हाइट मेजर करोगे, या यहाँ पे इस पानी की हाइट मेजर करोगे बॉटम से, ये क्या मिलेगी आपको, कम मिलेगी। इसको टेक्निकली स्क्वैट बोला जाता है, दिस इज टेक्निकली टर्म्ड एज स्क्वैट। तो इसको भी इंक्लूड किया जाता है, दैट इज ऑल्सो बी इंक्लूडेड वाइल डिसाइडिंग द डेप्थ ऑफ द हार्बर। तो ये होता क्या, हाइड्रोडायनेमिक फिनोमिनन होता है। तो जब भी कोई वेसल मूव कर रहा होता है थ्रू अ शेलो वाटर, इट क्रिएट्स एन एरिया ऑफ लो प्रेशर दैट कॉजेज द शिप टू बी क्लोजर टू द सी बेड। तो हमारी जो शिप है वो सी बेड से क्या हो गई, ज्यादा पास हो गई, इसको स्क्वैट बोल देते हैं, दैट इज टेक्निकली टर्म्ड एज स्क्वैट। क्लियर। तो इसको भी लिख देते हैं मेंशन कर, अरे यार पेज ऐड कर दिया, चलो कोई बात नहीं। तो स्क्वैट 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 इसको डिफाइन कर देता हूँ नोट करके, सो आई कैन डिफाइन दिस यूजिंग नोट। स्क्वैट इज दी हाइड्रोडायनेमिक हाइड्रोडायनेमिक प्रोसेस प्रोसेस बाय विच
बाय विच अ वेसल, बाय विच अ वेसल मूविंग थ्रू वॉटर, वॉटर क्रिएट्स अ एरिया ऑफ लो प्रेशर, एरिया ऑफ लो प्रेशर दैट कॉजेस द शिप टू बी क्लोजर टू द सी बेड, टू बी क्लोजर टू द सी बेड। तो स्क्वाड को डिफाइन कर दिया। मोटिवेशन दीजिए, ईएसई प्रिपरेशन कैसे करें? अभी तो बताया तो था, पीछे एक जना आया था उसको बताया था ईएसई क्लियर कैसे करते हैं। मुंह धो के आओ, ईएसई क्लियर हो जाएगा। अभी आपसे पहले एक जना और भी आया था, उसको भी मोटिवेशन चाहिए थी, तो उसको बताया था सबसे आसान तरीका मुंह धो के आओ सबसे पहले। तो नहीं, इसमें वेव का इफेक्ट नहीं है, स्पीड का इफेक्ट है। तो स्पीड की वजह से लो प्रेशर क्रिएट होता है। वेव का इफेक्ट तो जुड़ा हुआ है, एच है ना, द इफेक्ट ऑफ द वेव इज इंक्लूडेड इन एच। तो ये हमारी डेप्थ निकल के आ गई हार्बर की, दिस इज द डेप्थ ऑफ द हार्बर। क्लियर है पूरी कहानी? चलो अब कुछ प्रोविजंस बता देता हूं। नेक्स्ट, एच में है वेव का इफेक्ट। सो वी कैन से द मैक्सिमम हार्बर डेप्थ, द मैक्सिमम हार्बर डेप्थ बिलो लोवेस्ट लो वाटर इज अचीव्ड एज फॉलोज। तो अब ये डायरेक्टली कोडल प्रोविजन है हमारे पास। सो मैक्सिमम हार्बर डेप्थ, सो मैक्सिमम हार्बर डेप्थ इज इक्वल टू लोडेड ड्राफ्ट प्लस 1.2 मीटर व्हेन बॉटम इज सॉफ्ट। उसी तरीके से मैक्सिमम हार्बर डेप्थ, मैक्सिमम हार्बर डेप्थ इज इक्वल टू लोडेड ड्राफ्ट प्लस 1.8 मीटर व्हेन बॉटम इज रॉक, अगर बॉटम रॉक हो। तो ये मैक्सिमम हार्बर की डेप्थ निकल के आ गई, दिस इज द मैक्सिमम हार्बर डेप्थ। तो अब जाके पहला एलिमेंट खत्म हुआ है हार्बर, द फर्स्ट एलिमेंट इज फिनिश्ड नाउ। सो फर्स्ट ऑफ द हार्बर एलिमेंट इज हार्बर साइज, हार्बर साइज का पहला कॉम्पोनेंट है हार्बर डेप्थ। इट इज सफिशियंट फॉर टूडेज केस। चलिए, थैंक यू एवरीवन। मजा नहीं आया, तुम्हें बोला था मुंह धो के आओ, इतनी बार तो बोला मुंह धो के आया तो मजा आता। चलिए, थैंक यू एवरीवन।